बिसम इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस uh, करेंगे सेवन पॉइंट टू पॉइंट वन जो कि है ज्योमेट्री यानी कि डिमॉन्सट्रेटर ज्योमेट्री अब सच्ची बात यह है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन को जिस अंदाज में पेश किया है मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया हालांकि लिखा ठीक है बड़ा सादा सा साफ लिखा हुआ लेकिन जिस तरह उन्होंने एग्जांपल्स को दिया है आ, वो इतनी क्लियर नहीं है मुझे भी मतलब सबसे पहले वो कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या होती है कि जिसमें चीज़ों को ना मनत की दलाइल से बात की जाए यानी कि लॉजिकल रीजनिंग हो चलो जी ये समझ में आ गया अब आगे कहते हैं कि इसमें बाज़ तस्वरत ऐसे होते हैं जिन्हें किसी तारीफ के बगैर मान लिया जाता है तारीफ के बगैर और इसकी वो मिसाल देते हैं कि मिसाल के तौर पर नुकता यानी कि पॉइंट लाइन और प्लेन कि जैसे हम इन्हें किसी बगैर किसी तारीफ के मान लेते हैं तारीफ तो, तो है हम पहले पिछली जमातों में और सेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज़ में इसको डिफ़ाइन करके हैं कि नुक़ा क्या होता है लाइन क्या होती है प्लेन क्या होता है तो तारीफ़ तो है इसकी तो वो कैसे बुक में कह रहे हैं कि बगैर किसी तारीफ़ के मान लिया जाता है तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर शायद टाइम नहीं सर्व कर सकूँगा क्योंकि मेरे नज़दीक शायद ये इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया और शायद इसका कोई यूज़फुलस भी नहीं है कि वो उससे नतीजा क्या निकालना चाह रहे हैं इससे वो कहना क्या कह चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ मे बी इसमें वो ये कह रहे हो कि जिनको आप आ, प्रैक्टिकली बना नहीं सकते क्योंकि नुकता हम कहते हैं ना कि वो इनफाइनाइटली स्मॉल सा होता तो वो जो चीज़ इनफाइनाइटली स्मॉल और एक तरह से वो थ्योरेटिकल चीज़ बन जाती है मे बी उनका कहने का मकसद ये हो तो अगर ये मकसद था तो फिर उन्हें क्लियर करना चाहिए था जबकि बुक में क्लियर नहीं है हम चीज़ों की तारीफ तो करते हैं ना कि प्लेन कैसे कहते हैं लाइन कैसे कहते हैं नुकता कैसे कहते हैं जबकि उन्होंने कहा कि ये वो चीज़ें जो तारीफ के बगैर मानते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से ना कंट्रोडरी यानी कि एक दूसरे की मुखालफ चीज़ें हैं एक दूसरे को ग़लत करती हैं फिर उन्होंने आगे कहा कि जी कि बास बयान को किसी ये पॉइंट उनका एक था फिर उनका दूसरा पॉइंट था कि बास बयान को बगैर किसी दलील के बगैर दलील के यानी कि बग़ैर किसी प्रूफ के हम मान लेते हैं अब आगे जिन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इसकी दो किस्में होती हैं मिसाल के तौर पर एग्जियो जैसे आप एग्जियो जैसे आप मुतारफा कहते हैं या पॉस्टुलेट्स, जिन्हें आप मौजुआत कहते हैं इनकी डेफिनेशन तो समझ में आ जाती है लेकिन जब पासुलेट्स पर डिस्कस करते हैं तो उसमें एक मिसाल दे रहे हैं कि एक नुकते में से ला तादाद खतूत खींचे जा सकते हैं ये नुकता है इसमें खींच रहा है सॉरी इस नुकते में एक उदर से उधर से गुजर गया तो कह रहे हैं कि ये वो चीज़ है जिसे बगैर किसी दलील के मान लिया जाता है भैया मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म की दलील चाहिए उन्हें कि ये बताने के लिए कि इसमें से ला महदूद लाइने खींच सकते भाई एक नुकता है उसमें से जितनी मर्जी लाइनें दे बारीक 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 तो वो कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन वो कह नहीं पाए उन्होंने ये तो कहा है बुक में कि जी ये चीज़ गलत है या ये सही है लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स में कह रहे हैं और उसके मुखालिफ उनके नज़दीक जो चीज़ सही है वो उन्होंने नहीं बताई इसी तरह उन्होंने कहा कि तीन गैर हम खत नक़ात सिर्फ़ एक ही मस्तफ़ी में से गुजरते हैं ये पॉइंट नंबर तीन है अब यह पॉइंट मुझे ये पता कि ये दो पॉइंट हों एक लाइन गुजर गई ठीक है ना लेकिन ये लाइन से बहुत सारे प्लेन्स बन सकते हैं ना बहुत सारे प्लेन्स में से ये लाइन हो सकती है फर्स्ट करो प्लेन का आपको पता ना पेपर तो पेपर की मैंने एक मिसाल दी थी पहले तो फर्स्ट करो ये पेपर है उसमें से ये लाइन गुजर रही है मुमकिन है कि ये पेपर इस तरह का और ग्रीन पेपर हो सॉरी ऐसे और ये उसके ऊपर लाइन बनी और ये पेपर ऐसे करके ऐसे जा रहा हो अब ये वाइट वाला ऊपर है इसलिए ग्रीन वाला नज़र नहीं आ रहा मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया है तो ये लाइन दो पॉइंट के दरमियान बहुत सारे प्लेन एक प्लेन ये हो गया कि ये उसमें से गुजर रही है लेकिन जूँ ही आप तीसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा फर्ज करें कि मैं तीसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस करता हूँ जो कि वाइट वाले के ऊपर है तो फिर वो डिफाइंड हो गया कि ये ये वाला प्लेन है ग्रीन वाला नहीं है अब जारी बात आज समझ में आ रही है और मेरा ख्याल है कि आप इसकी दलील तो दे सकते हैं ना कि भाई ये एक ही प्लेन के ऊपर आ गए लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ है इन्होंने इसे पासोलेट के अंदर रखा है और पासोलेट्स को वो ये बता रहे हैं कि ये बगैर किसी दलील के मान लिया जाता अब दलील तो है लेकिन मुझे नहीं पता कि उन वो ये क्यों कह रहे हैं कि इसको बग़ैर दलील के मान लिया जाता दलील तो है मुमकिन है कि वो कुछ और कहना चाह रही हूँ या ऐसी कोई मुखालिफ चीज़ हो कि जो कि वो साबित करना चाह रहे थे या मे बी वो साइंस की किसी ऐसी ब्रांच का जिक्र कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स से बहुत मख्लफ है कोई मेटाफिज़िक्स है पता नहीं क्या तो अगर किसी साइंस की ब्रांच में ये पॉस्टुलेट्स जिनके बारे में उन्होंने ये डिफ़ाइन किया है कि ये एक सब्जेक्ट में तो मुमकिन है आप ठीक मान लें मुमकिन है दूसरे सब्जेक्ट में ठीक ना हो तो ये जो चीज़ है मुमकिन है मैथमेटिक्स में या जोमेट्री में तो ठीक हो मुमकिन है किसी और में ठीक ना किसी और ब्रांच में साइंस की ठीक ना हो लेकिन भाई अगर ऐसी बात है कि ये चीज़ साइंस की किसी और ब्रांच में ठीक नहीं है तो आप हमें बताएं कि वो कौन सी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें ये चीज़ ठीक नहीं है ठीक है अब जैसे उन्होंने कहा कि जी आ, आ, के दो पॉइंट्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही आप खत खींच सकते हैं बिल्कुल ठीक है मैथ्स में ठीक है ये जो जोमेट्री में बिल्कुल ठीक है पॉइंट लेकिन वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना पास्युलेट है पास्युलेट और पासुलेट की वो डिफाइन ये करते हैं डेफिनेशन के मैथ की किसी एक ब्रांच में ठीक मानते हैं अच्छा भाई अगर मैथ की आप जोमेट्री में तो ठीक मान लेते तो कौन सी ऐसी ब्रांचेस में ठीक नहीं मानते वो चीज़ इन्होंने नहीं बताई फिर तो लिहाजा मुझे समझ में नहीं फिर आया कि मतलब इस पर उनके जिन में एक्जैक्टली exactly क्या था लेकिन बहरहाल मुझे ये समझ में आती है कि वो बस आपको शायद जो अगला वाला यूनिट है ना नंबर एट उसके लिए तैयार करना चाह रहे हैं लेकिन ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि वो इस टॉपिक में बताना क्या चाह रहे हैं अगर आप लोग और इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस है भी कोई नहीं मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है अनल से आपने मैथमेटिक्स में कोई पी एच डी करनी हो आगे से तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मे बी इन टर्म्स को आप इंटरनेट पर सर्च कर लें लेकिन फिर uh, मेरा ख़्याल है कि वो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि शायद हमारे स्कोप से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाए तो टॉपिक सेवन पॉइंट टू पॉइंट वन प्लीज़ आप इसे ख़ुद देख लीजिएगा अगला टॉपिक शुरू करते हैं सेवन पॉइंट टू पॉइंट टू उसमें है मनतकी इसद यानी कि लॉजिकल रीज़निंग इसमें कहते हैं जी कि ये अकलीदस को यूनानी था बंदा उसने बड़ा काम किया चलो जी ठीक है उसने काम किया कोई इतराज नहीं हमें से इसे आगे वो बताते हैं कि लॉजिकल रीज़निंग की दो तरह की तरीक़े होते हैं एक वो इस तक राय तरीका कहते हैं जिसको वो इंडक्टिव रीज़निंग कहते हैं और एक तरीका होता है इस तख़ राजी तरीका तरीका है इस्तदलाल जिसको वो डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं डिडक्टिव अब इसकी जो उन्होंने बुक में एग्जांपल दी है बल्कि मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ जब मैंने इंटरनेट पर देखी इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ें ऑब्जर्व करे और उस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर वो कोई नतीजा निकाल ले उससे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग मैं आपको मिसाल देता हूँ फर्ज़ करें आप घर से आप घर में बैठे हैं आपने खिड़की खुली आप बाहर देख रहे हैं बाजार की तरफ आपके सामने से एक आदमी गुजरा वो शॉपिंग करके जा रहा है उसने नीले रंग का ना वो लिफाफा उठाया हुआ है जिसमें जो भी चीज़ उसने शॉपिंग की है वो ले कर जा रहा है फिर एक और शख्स गुजरा है उसने भी नीले रंग का लिफाफा उठाया जिसमें शॉपिंग की चीज़ें लेके जा रहा है फिर एक और शख्स गुजरा वो नीले रंग वो के लफाफा उठा के जा रहा है जिसमें उसने शॉपिंग की है आप ऐसे पाँच छः सात आठ लोग मुसलसल देखते हैं जो कि सारे के सारे नीले रंग के लफाफे लेके जा रहे हैं जिसमें वो शॉपिंग का सामान रखा है तो अगर आप उससे ये नतीजा निकालने की कोशिश करें कि जनाब गौर कीजिएगा कि जो लोग भी शॉपिंग करते हैं वो नीले रंग का लफाफा लेके उसमें सामान रख के लेके ले जाते हैं तो ये आपने इंडक्टिव रीजनिंग को इस्तेमाल किया कि आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की और उसकी बेस पर नतीजा निकाल लिया लेकिन ज़रूरी नहीं है ये ठीक हो क्योंकि सारी बात ना, है ना मुमकिन है कोई बारवा बंदा आए वो लाल रंग का लफाफा लेके जाए या आपको पता है लॉजिकली बात ठीक तो नहीं है ना कि मतलब दुनिया में ऐसा थोड़ी होता है कि जो भी शॉपिंग करेगा वो नीले रंग का लिफाफा लेके जाएगा ठीक है पर इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग ये तो मुझे समझ में आती है बात लेकिन जो उन्होंने जो बुक में मिसाल दी है ना कि एक आदमी हम देखते हैं कि एक आदमी मर गया एक आदमी था वो मर गया फिर जी एक और है जी एक औरत थी और मर गई फिर जी एक लड़का था और वो वो गया एक लड़की थी गई तो फिर सॉरी नतीजे पर पहुंचते हैं कि इंसान मार जाते हैं का ये तरीका इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है इस तरह अक्स करदा नतज मुशतबा यानी कि वो जिन पर शक पड़े वो हो सकते हैं अब बात यह है कि उन्होंने जो मिसाल दी है ना वो शायद इतनी अच्छी मिसाल नहीं है समझाने के लिए इंडक्टिव रीजनिंग मेरा ख्याल है कि मैंने बेहतर एग्जांपल दी है क्योंकि देखें जारी बात है कि अगर लड़का मरे बंदा मरे मरे ना मरे आपको पता है कि सब ने ऐट द एंड ऑफ द डे सब ने मर ही जाना है तो लिहाजा ये तो एक सॉलिड और ठीक फैक्ट है है ना तो यहाँ पे उन्हें ऐसी मिसाल देनी चाहिए थी जिसका नतीजा आपके जहन में ख़ुद कहता कि यार उन्होंने नतीजा तो निकाला ठीक है, है लेकिन ये गलत भी हो सकता है लेकिन यहाँ जो एग्ज़ाम्पल है उसका जो नतीजा के इंसान मर जाते हैं वो नतीजा हंड्रेड परसेंट ठीक है लिहाजा उनकी मिसाल मुझे ठीक नहीं लगी लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस तरह अक्स करदा नतज मुशतबा भी हो सकते हैं यानी कि वो शक व शबातल हो सकते हैं वो बात ठीक है जैसे मैंने आपको पहले कहा क्या आप नतीजा निकालें कि भाई जो भी इंसान शॉपिंग करता है वो नीले रंग का लिफाफा लेके गुज़रता है तो वो सारी बात आपके आपकी जिन्हें यार कैसे मुमकिन है आपको शक वात पैदा होंगे ना तो वो बात ठीक है अच्छा फिर उन्होंने आगे मैथ्स की एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि कोई इक्वेशन है उसमें आप एक्स की कीमत डालते हैं अब आपने एक्स की ज़ीरो डाली कीमत एक डाली दो डाली तीन डाली सब तो वो इक्वेशन का जवाब आना शुरू हुआ अब वो सारे के सारे ना मुफरत आदाद है ठीक है लेकिन जू ही तो आप उससे फर्स में दस पंद्रह कीमतें डाली फिर आपने नतीजा निकाल लिया कि यार ये तो सारे मुफरत मुफरत अदाद आ रही हैं तो जी ये सारे के सारे मुफरत होंगे लेकिन सॉरी आप ये नतीजा निकालें कि इस इक्वेशन में जो भी वैल्यू एक्स की डाली जाए जवाब हमेशा मुफरत होगा इस तरह जो आप नतीजा निकाल रहे हैं इंडक्टिव रीजनिंग है लेकिन शक पढ़ सकता ना गलत हो सकता है मुमकिन है कि सोवीं वैल्यू जाके वो मुफरद अदद ना हो, हो सकता ना मे बी पाँचवी वैल्यू जाके वो मुफरत अदद ना हो जिस तरह इसमें उन्होंने कहा जी कि चालीस कीमत डालें एक्स की तो वो मरकब अदद आ जाता तो ये ठीक है मतलब ये समझ आती है इसकी चीज़ तो बहरहल मैं समराइज़ करता हूँ आप इस शक्कर में ना पढ़ें कि बुक में उन्होंने क्या एग्ज़ाम्पल दी आप समझने की कोशिश करें कि जब कोई चीज़ें आप ऑब्जर्व करें और उनकी बेस पे बग़ैर किसी मज़ीद रिसर्च के कुछ और किए हुए आप कोई नतीजा निकाल लें और मफरूज़ा निकाल लें उसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग ठीक है और ऑब्ज़रवेशन याद रखें ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे जो आप नतीजा निकालते हैं वो गलत भी हो सकते हैं ज़रूरी नहीं कि वो गलत हों गलत भी हो सकते हैं जैसे शॉपिंग बैग वाली मैंने एग्ज़ाम्पल दी उसका नतीजा गलत हो सकता और गलत है भी लेकिन जो चार इंसान अगर हम चार जनाजे देख लें और उसकी बेस पे अपना नतीजा कि इंसान मार जाते हैं तो वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो नतीजा तो गलत नहीं है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल में तो बहरहाल इसे कहती हैं इंडक्टिव रीजनिंग अगला वाला जो चीज़ है वो डिडक्टिव रीज़निंग है उस चलें इसी पर डिस्कस करते हैं कुछ हमने लिखना तो है नहीं आ, इसको अब इसको डिस्कस करते हैं बुक में फिर उन्होंने मरने वाले इंसान की एग्ज़ैम्पल थी उससे तो उससे आप मजीद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई उधर भी इस एग्ज़ाम्पल को दिया इधर भी दिया तो बेसिकली इफ़ेक्ट कहाँ पर होती है डिटेक्टिव रीजनिंग की आपको मिसाल देता हूँ कि डिटेक्टिव रीजनिंग ये होती है कि प्रीवियस प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स यानी कि पहले से आपको किसी चीज़ के बारे में मसलमा पता हो या आपको पाँच छः चीज़ें पता हों जो कि ठीक हैं उनकी बेस पे आप कोई नतीजा निकालें उसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग मैं दोबारा दोहराता हूँ कि फ़र्ज करें कि आपको चंद मालूम पाँच फैक्ट्स पता हैं जो कि ठीक हैं उनकी बेस पे आप नतीजा निकालें उसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग मिसाल के तौर पे एक कमरे में पांच लड़के रहते हैं ठीक है आपको पता है कि भाई आप आप समझे कि आपके घर के सामने पांच जो घर है ना उसमें पांच लोग रहते हैं ठीक है अच्छा जी अब आपको पता है कि एक चीज पता है ना कि उसमें पांच लोग रहते हैं दूसरी चीज ये कि आपको ये पता है कि उस, उस उस घर में सारे के सारे जो लोग हैं वो जॉब करते हैं ठीक है दूसरी चीज आपको ये पता है कि उस घर में सारे के सारे लोग जॉब करते हैं और तीसरी चीज अब मिसाल के तौर तो पे आपको यह पता है कि उस घर में जावेद नाम का एक शख्स रहता तीन चीजें पता है कि सामने घरे वाले घर में पांच लोग रहते हैं दूसरी चीज ये कि पांचों के पांचों जॉब करते हैं तीसरी चीज ये कि जो पांच लोग हैं उनमें से एक जावेद भी है आप इन तीन फैक्ट्स की बेस पे आप एक नतीजा निकाल रहे हैं कि जी जावेद जॉब करता तो ये जो नतीजा ये आप डिटेक्टिव रीजनिंग से निकाला है और ये ठीक है क्योंकि आपको पता ना कि पांचों के पांचों जॉब करते हैं और आपको ये पता कि जावेद उन पांचों में से एक है तो नतीजा क्या निकला कि जवेद भी जॉब करता है हालांकि मैंने कहा नहीं है पहले कि आपको ये कि जवेद जॉब करता है लेकिन मैंने आपको फैक्ट्स ये बताए हैं कि पांच लोग हैं पांचों के पांचों जॉब करते हैं उनमें से एक जावेद है तो इन तीन चीज़ों की बेस पे आप नतीजा निकाल रहे हैं कि जावेद भी जॉब करता है तो ये है डिडक्टिव रीजनिंग ठीक है कि प्रीवियसली प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स की बेस पे आप कोई नतीजा निकालते हैं इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और आमतौर पे ये होता है जैसे बुक में भी लिखा है उन्होंने कि आप पहले चीज़ों को जनरलाइज करते हैं जैसे कि पाँच लोग रहते हैं पाँचों के पाँचों जॉब करते हैं उनमें से एक जावेद है और फिर आप ये जेनेरिक इन्फॉर्मेशन की बेस पे ना एक पर्टिकुलर ख़ास नतीजा निकालते हैं वो ये कि जावेद जॉब करता है ये हो गया डिडक्टिव रीजनिंग का तरीका तो मेरा ख्याल है कि इस पे इतना ही काफ़ी है आ, इंडक्टिव रीजनिंग पे और डिडक्टिव रीजनिंग पे फ़र्क आपको पता होना चाहिए इन दोनों का आ, इन जनरल वैसे मेरा नहीं ख्याल कि एग्ज़ाम से कोई इसका ताल्लुक़ है लेकिन बहरहाल अच्छी बात है ये थोड़े से कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है तो इसके साथ ही इस वीडियो के मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ अगली वीडियो से हम टॉपिक 7.2.3 शुरू करेंगे जो कि शायद आपसे ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि आठवें यूनिट में आपने जाके तो थ्योरम्स पढ़ने हैं ना तो शायद ये उससे मुतल है तो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में आएंगी इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम